यहाँ पे चूक हो गई, वो प्राथमिक ओपिनियन हमसे पूछा। प्राथमिक ओपिनियन तो यही है कि जो गाड़ी जो चल रही थी वो थोड़ा ज़्यादा स्पीड में थी, इसके कारण ये संभावित रूप से दुर्घटना हो सकती है। इसको अलावा क्यों हुई थी, इसमें और किन लोगों ने मदद किया, इसी को सीआर साहब क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं और सभी के साथ में एक का स्टेटमेंट दूसरे के साथ में मिला रहे हैं, जिससे कि वो कुछ इंफरेंस निकाल सके। कौन सी गाड़ी ज़्यादा स्पीड में थी? मालगाड़ी। मालगाड़ी। एंड सर, व्हाट इज द रोल ऑफ वर्कर फ्रॉम रागामनी स्टेशन? रागामनी स्टेशन में जो एक गाड़ी ज्यादा स्पीड में चल रही थी, लेकिन ये डिस्टेंस तक चल रहा था स्टेशन के कंट्रोल रूम में, ये कंट्रोल रूम में लोग थे, रेल गेट पर लोग थे, मौजूद थे, वो लोग अपना अपना ड्यूटी कर रहे थे, किसी ने नहीं नोटिस किया? नोटिस किया, वही तो पूछा जा रहा है उन लोगों से। नहीं, आपका समझ प्राइमरी यही सब तो कुछ जो आप लोग पूछ रहे हैं, यही सब तो वहाँ पूछा, रिकॉर्ड किया जा रहा है ना कि भाई ज़्यादा स्पीड चल रहे थे, क्यों चल रहे थे, दूसरे लोगों ने क्या काम किया नहीं किया, वही सब तो पूछा जा रहा है। हो सकते हैं सर, क्या क्या चीज़ों को आप लोग मद्देनजर रख रहे हैं, क्या क्या कॉजेज है, व्हाट कुड बी द कॉज ऑफ दिस एक्सीडेंट? सर, एक FIR किया गया है GRP के पास, लेकिन जो पैसेंजर के नाम उसमें है चैताली मजूमदार, उनका कहना है कि वो A6 में उस दिन तो थे, लेकिन उन्होंने कोई FIR नहीं किया। GRP ब्लैंक वाइट पेपर में उनका सिग्नेचर लिया, उसमें अपना मनगढ़ंत कहानी लिखा कि मालगाड़ी का चालक एंड उनके साथ जो एसिस्टेंट पायलट था वो जिम्मेवार है। अगर सेफ्टी कमीशन इंक्वायरी कर रही है, जांच चल रहा है, उसका पहले GRP का ये रोल कैसे आप देख रहे हैं? GRP के बारे में अभी जानकारी नहीं है, और GRP का इसे CRS इंक्वायरी के साथ कोई संबंध भी नहीं है। सीआरएस साहब जो है वो रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर में नहीं आते हैं, वो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंदर में आते हैं, तो अपना इंडिपेंडेंट तरीके से इंक्वायरी करते हैं। और जैसा कि आप जानते भी होंगे कि रेलवे एक्सीडेंट में अगर किसी जान माल की क्षति होती है तो ऑटोमेटिक CRS साहब इंक्वायरी करते हैं उसमें, तो उसी संदर्भ में ये इंक्वायरी कर रहे हैं, और सारी चीज़ों का जानकारी लेने के बाद ही अपना एक रिपोर्ट बना कर देंगे, जिसमें कि साफ साफ कॉज होगा कि किस कारण से ये घटना हुई थी। श्रीमान, मेरा एक सवाल है। इस घटना के कमोबेश 5-6 घंटे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया था कि मालगाड़ी का जो सह चालक था उसकी मौत हो गई। कल हमने देखा एक वीडियो वायरल हुआ है जहां वो चालक अधिक क्लेम कर रहा है कि वो जिंदा है और अस्पताल में उसका इलाज हो रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो जिंदा है या नहीं? तो असिस्टेंट लोको पायलट तो वो जिंदा है, अभी पैरामाउंट हॉस्पिटल में है। तो ऐसी कंफ्यूजन क्यों हो गया, मतलब पहले क्यों ये कहा गया कि उसकी मौत हो गई है, कहीं कुछ कम्युनिकेशन में गलत हो गया? जिसमें एक्सीडेंट होता है तो उसके बाद एकदम 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं हो पाता है, कौन कहाँ पहुँचा नहीं पहुँचा पता नहीं था, इसके कारण से कहीं से ये इन्फॉर्मेशन दिया गया होगा, जो कि शाम होते होते पता चला कि वो अस्पताल में भर्ती है। उससे बात हुई है प्राथमिक तौर पर आप लोगों की? अस्पताल में मिलने के लिए तो हम ही गए थे उसके पास में, जिसमें कि वो डॉक्टर के अनुसार बात करने की स्थिति में नहीं था, लेकिन डॉक्टर के साथ उनका बात हो रहा था, मेरे सामने ही डॉक्टर से बात हुआ था, उसके बाद मैंने बाकी अन्य लोगों के साथ किसी को छुट्टी पे भेज दिया है, किसी को सस्पेंड किया है, या भी रहने को काम बंद करने को कहा है, इस तरह की कोई कार्रवाई आपकी तरफ से? अभी किसी को तो छुट्टी पे नहीं भेजा गया है, जो लोग सम्मिलित थे जैसे गार्ड ड्राइवर थे वो तो रहे नहीं, और भी जो लोग इन्वॉल्व थे वो सब अभी काम कर रहे हैं, उनसे सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्शन किया जा रहा है। कोई सस्पेंशन वगैरह भी नहीं? अभी तो प्रथम दृष्टिया जी सस्पेंशन नहीं किया गया। अच्छा, उस दिन जो मेमो इशू किया गया था, दो मेमो इशू किया गया था जो हमें जानकारी मिल रही थी, पहले कंचनजंगा को, बाद में मालगाड़ी को, तो मेमो के नॉर्म्स जो थे कि हर सिग्नल पे 1 मिनट रुकना है, 10 से 15 की स्पीड में जाना है, ये दोनों नॉर्म्स को दोनों चालक मान रहे थे, और अगर नहीं मानता था तो कौन नहीं मान रहा है? उस दिन बहुत सारी ट्रेनें चली थी, सभी लोग मान रहे थे, और जो नहीं मानने वाले, मैंने जिन्होंने अपेरेंटली फॉलो नहीं किया था, वो गुड्स वाले थे। बाकी सारे लोग मान, बाकी लोग जैसे कंचन वाले थे वो फॉलो करते हुए जा रहे थे। कंचनजंगा एक्सप्रेस, वो जो सिग्नल थी तीसरी सिग्नल, उस पे क्या वो नॉर्म्स मानते हुए 1 मिनट के लिए खड़ी थी? हाँ, आगे कोई क्लियरेंस वगैरह नहीं, खड़ी थी वो। धन्यवाद।
कभी पीछे से आके आगे भी ट्रेन गई थी। ऐसी संभावनाएं हैं क्या, क्योंकि हमने आज ही एक जसमीत से बात की तो उसने कहा कि सिग्नल पे तकरीबन 4-5 मिनट से वो ट्रेन खड़ी थी। वैसे संभावना है कि सामने कोई ट्रेन नहीं हो तो और क्लियरेंस लेने के लिए खड़ी हो कंचनजंगा, ऐसी संभावनाओं को आप जांच रहे हैं क्या? सारी संभावनाओं की जांच हो रही है, कौन किस में खड़ा था, किस लिए खड़ा था और कहाँ क्या कर सकता था, नहीं कर सकता था, तो अभी संभावनाओं पे कोई रोक लगी नहीं है। सीआर साहब जो है वो सारी परिस्थितियों का अवलोकन कर रहे हैं। सर उस दिन सुबह कितने बजे ये ट्रैफिक जो सिस्टम है सिग्नलिंग सिस्टम ऑटोमेटिक वो ट्रेन ट्रैकिंग सिस्टम जिससे आप देखते हैं कि किस ट्रैक पे कितनी दूरी पे ट्रेन है, ये दोनों कितने बजे खराब हो गए? 5:15 बजे के आसपास में खराब हुआ है, जिसमें कि आप लोग देखे होंगे भारी बारिश के कारण और बिजली के कारण उस समय से ये शुरू हुए थे। अभी ये ठीक हो गया? अभी ठीक हो गया। सर ये खराब होना तो आप लोगों के लिए बिल्कुल नई बात नहीं है, अक्सर होता होगा और उस पे आप लोग खराब होता रहता है। इसीलिए जो इंस्ट्रक्शन वगैरह जो टिकट वगैरह जो पेपर जो इंस्ट्रक्शन क्लियरेंस दिए जाते हैं उसी के लिए रूल रेगुलेशन के तहत ही काम हो रहा था। ऐसे हालात में मैं सिर्फ टेक्निकली खुद की जानकारी से जानना चाह रहा हूँ कि जब ये होता है तो हमने पेपर क्लियरेंस के लिए दे दिया और नॉर्म्स फॉलो करने के लिए दिया, इसके अलावा कोई अतिरिक्त सतर्कता बरतने की कोशिश होती है क्या कि मतलब ट्रेन में नज़र रखी जाए या इस तरह के गार्ड्स को कह दिया जाए, जो रेल मैन हैं उनको कह दिया जाए? रेलवे वर्किंग में जितने लोग सम्मिलित रहते हैं सबके पास कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन रहता है या उनको सिखाया जाता है कि इस तरह से काम करना है, तो वो लोग उन परिस्थितियों में वो लोग उसी तरह से सतर्क रहते हैं। सर केबिनों में जो लोग रहते हैं ड्राइवर और जो गेटमैन इस लोग को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं रहता है, ये बोल रहा है, ये सवाल उठ रहा है। एक बार सब लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है, समय समय पर ट्रेनिंग दिया जाता है और जो रिक्वायरमेंट है सारा चीज़ बताई जाती है। तो अभी जब दुर्घटना हो गई तो सभी लोग कुछ बोलेंगे कि हमको ट्रेनिंग नहीं मिली या हमको नहीं दिया गया, मेरे पास ये था मेरे पास वो नहीं था, तो वो सारा चीज़ें ही इंक्वायरी में रिपोर्ट कलेक्शन किया जा रहा है। सर घटना के तुरंत बाद ऐसे भी आरोप लगाए गए थे संगठन की तरफ से कि मालगाड़ी का कुछ अलग था, ओवरबर्डन था, छुट्टी पे भेजना चाहिए था, नाइट ड्यूटी के बाद 16 घंटे की शायद छुट्टी का नियम प्रावधान भी है, तो ऐसी कोई चीज़ें सामने आई हैं क्या? अभी तो इस तरह का जांच में नहीं आया, वो सब भी ये जो पूछ रहे हैं वो भी जांच किया जाएगा, यार सब उस पर भी नज़र रखेंगे। सर एक आखिरी मैं अपनी जानकारी के लिए, आपने कहा गेटमैन ने जानकारी दी थी, तो हम क्या ये समझ सकते हैं कि गेटमैन ने जानकारी दी और इससे पहले की मालगाड़ी के चालक से कनेक्शन जानकारी दी थी वो टेलीफोन पे दिया था, उस टेलीफोन का भी वेरिफिकेशन हो रहा है, उसने बताया था कि नहीं बताया था। मोबाइल फोन नहीं, मतलब जो रेलवे का फोन जो लगा हुआ है स्टेशन के बाद अगर हम गेट नंबर 1-2-3 मान ले तो किस गेट ने दिया? जो जिसने दिया था वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा दिया है, उसमें पता चला जिसने दिया था वो अपना रिकॉर्ड। बारिश से आप तो बोल रहे हैं बारिश से और सिग्नल सिस्टम बिगड़ गया था, तो ये जो टेलीफोन लाइन है वो भी तो बिगड़ सकता है, वो जो सुनने में आता है केबल लाइन जो है वो अंडर केबल वो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। ये स्टेटमेंट जो है जो गेटमैन ने रिकॉर्ड कराया है इसका भी क्रॉस वेरिफिकेशन होगा उसके बाद ही बताया जाएगा। सर रेलवे से एक तो बोला जा रहा है कि ये अप्रोक्सीमेट स्पीड जो गाड़ी का था वो था अराउंड 40 किलोमीटर जब ये हुआ, तो सर ये तो रामापानी स्टेशन में खड़ा था और यहाँ से रामापानी स्टेशन से तो इसका डिस्टेंस होगा लगभग कुछ 2.5 किलोमीटर का जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, तो सर 0-40 एक गाड़ी को लेने में कितना टाइम लगता है सर अप्रोक्सीमेटली? और ये जो लोको है उस पर डिपेंड करता है और कितना तेजी से नौचप करते हैं उस पर डिपेंड करता है। इस गुड्स ट्रेन को कितना मतलब ऐसे गुड्स ट्रेन जो होते हैं क्योंकि हम लोग को जानकारी नहीं है इसलिए 2-3 किलोमीटर के अंदर कितना टाइम लगता होगा अभी अपडेट हुआ था तो अभी डाटा मेरे पास भी नहीं है इसलिए नहीं बता पा रहे। और सर अगर सिंस ये गाड़ी जो स्पीडोमीटर वाला डाटा है वो भी सीआरएस साहब को दिया जा रहा है दिया जा चुका है तो आप कितने अपनी को स्टेटमेंट अभी तो जो गेटमैन था उनका रिकॉर्ड हुआ है,
जो 0.7 थे उनका रिकॉर्ड हुआ है, और जो स्टेशन में जो काम करने वाले पोर्टर लोग थे उनका रिकॉर्ड हुआ है, और जो कंचन कन्या का ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर थे उनका रिकॉर्ड हुआ है। इतने ही लोगों का अभी तक हो पाया, अभी और लोगों का होगा। दस के आसपास होगा। कितने बजे तक चलेगा? ये अभी रात 10 बजे तक चलेगा। कितने बजे तक 10 बजे हुआ है? अभी 5 बजे अभी तक। सर ये तो आपको पता होगा, ये रेंज का दिन पायलट के लिए दिया गया, उसी दिन फिर से उनको बुलाया गया है ये चालक को, जिसके लिए ये घटना भी तो घट सकता है, वो 4 नाइट ऑफ ड्यूटी कर रहा था। वो सब अभी जांच हो रहा है कि उसको क्या किया था नहीं किया था, उसके बारे में अभी कोई टिप्पणी हम अभी ऐसा कुछ आपके नज़र में है ऐसा हुआ था? अभी तो हम लोग तो एक्सीडेंट साइट से ही आ रहे हैं सर, इसी तरह करते हुए तो अभी कौन क्या कर रहा था ना उस पर जो ये जांच का ही विषय है, तो इसीलिए हम लोग उस पर गौर किया जा रहा अभी। सिस्टम फेलियर फिर वो कंक्लूजन वाला ही बात हो गया कि सिस्टम फेल हो गया इसीलिए एक्सीडेंट हो गया। सिस्टम तो हमेशा कोई पहली बार फेल तो हुआ नहीं है, उसके पहले भी इस तरह का जो है कभी कभी फेल होता रहता है, उसके उस परिस्थिति में क्या करना है वो भी लिखा हुआ है, वो काम हुआ नहीं हुआ उसी वही उसी पर दूसरी बिंदु पर तो जाँच हो रहा है। हाँ अभी हो गया, सर यहाँ पे तो इस स्टेशन पे ऑटोमेटिक सिग्नलिंग स्टार्टिंग हुआ अराउंड 9 महीने। हाँ उसके पहले तो एब्सोल्यूट लॉक सिस्टम था। नौ महीने से पहले से करीब करीब स्टार्ट हुआ बोलता है, साल भर पहले से स्टार्ट हुआ। सर यहाँ पे फिर जब ये यहाँ के जो ड्राइवर्स होते हैं यहाँ पे लोको पायलट जो पास होते हैं, तो उनका सर ट्रेनिंग पीरियड कितना रहता है इस शिफ्टिंग के लिए एब्सोल्यूट लॉक से ऑटोमेटिक का? ट्रेनिंग पीरियड थोड़ा एक बार जानकारी लेके बता दें। सर एक बात, रंगाबान स्टेशन से जो हादसे का जगह है अगर हम लोग देखें तो 28 मिनट लगता है कांचन जगह को पहुंचने में, और उधर ही मालगाड़ी को 13 मिनट लगता है। तो सर ये का 28 मिनट इसका 13 मिनट ये डिफरेंस आप लोग क्या देख रहे हैं इसको? सवाल आपका समझे नहीं। सर रंगाबान स्टेशन से जब कांचन जगह छोड़ा हादसे तक 28 मिनट लगा, और उधर ही मालगाड़ी को लगा 13 मिनट। तो ये जो डिफरेंस है उसको 28 मिनट लगा इसको 13 मिनट लगा, ये जो बात है क्या कांचनजंगा ये ट्रैक पर कहीं भी खराब हुई थी? आप लोग सीआरएस को छोड़ के आप लोग इंक्वायरी में बैठ जाओ भाई साहब, मुझे बताइए जरूरत नहीं भाई, आप ही लोग सब इंक्वायरी कर लो। सर एज पर योर रिकॉर्ड मालगाड़ी एट दैट टाइम जब कलिशन हुआ तो उस टाइम 78 किलोमीटर स्पीड में था या फिर 40 किलोमीटर स्पीड में था? अच्छा ये अगला वाला जो बात होगा उसमें आपको बता दिया जाएगा, जो जो क्वेश्चन वगैरह है वो लोग बता दो, सबका जानकारी भी दिया जाएगा। अभी तो इंक्वायरी यहाँ कब तक चलेगा तो पता नहीं, अभी यहाँ बैठने से कोई फायदा नहीं है, जो जानकारी देना आप लोग पहले से बता दो तो हम लोग उसका सारा जवाब दे देंगे। सर आप पेड़ से तो एक रिपोर्ट भी दे दूंगा, आप जो रिपोर्ट देना अभी कोई रिपोर्ट नहीं दिया जाता, अभी केवल जो भी है प्राइमा फेसी कॉज जैसा बताया जाता है बस वही है, और जब बाकी जो एग्जैक्ट कॉज जो है सीआरएस के इंक्वायरी में ही निकल के आएगा। सर केंद्र सरकार की एक योजना थी आप नहीं है, दूसरे जगह पे ट्रायल में चल रहा है और जगह एस्टेब्लिश करने की कोशिश किया जा रहा है, उसके बाद सारे जगह में मैंने उसको विस्तार किया जाएगा और NF रेलवे में भी होगा। कितना वक्त लग सकता है अभी इस वक्त का एग्जैक्ट अभी तो मेरे पास में डाटा नहीं है,
कब तक हो पाएगा बता दिया जाएगा। हमारा ये खटिया डिवीजन के लिए इसलिए पोस्ट के लिए कोई फंड माने प्लानिंग माने डिटेल और फिर कोई फंड आया या नहीं अच्छा उसके बारे में बाद में बता देंगे। अच्छा इसमें कुछ पूछना है तो पहले बताइए। जी पहले आप बताइए। आप जानते हैं कि जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें जो चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी है वो अपना इंक्वायरी कर रहे हैं, इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व थे सारा का बयान दर्ज किया जा रहा है, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है और एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं रूल्स रेगुलेशन के साथ में क्या क्या होना चाहिए था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो एक लंबी प्रोसेस में इंक्वायरी चल रही है, उसमें काफ़ी वक्त लगेगा और वक्त के बाद जो सीआरओ साहब हैं वो अपना इंक्वायरी रिपोर्ट बनाएंगे। फिलहाल जो अभी न्यू जलपाईगुड़ी इस ऑफिस में जो रिकॉर्डिंग चल रहा है वो जो लोग सम्मिलित थे या जो लोग रेलवे से बाहर के भी लोग थे जो कुछ एविडेंस दे सकते हैं उन सभी को बुलाया गया है और उनके स्टेटमेंट या उनको जो कहना है उन बातें सारी रिकॉर्ड की जा रही हैं, उनको एग्जामिन किया जा रहा है और उसके बेसिस पे जो रूट कॉज था वो पता लगाने का कोशिश किया जा रहा है। ऐसे कितने लोगों का बयान आज दर्ज किया गया है और कितने लोगों को बुलाया गया था जिसमें बाहर के कितने लोग थे? बाहर के लोगों को तो बुलाया गया था लेकिन सुबह तक में कोई आए नहीं थे, अभी जो रेल के कर्मचारी हैं उन्हीं का बयान दर्ज किया जा रहा है। अभी जो गेटमैन थे जो स्टेशन में काम कर रहे थे जो कंसर्न करने लोको पायलट थे उनका बयान अभी तक दर्ज हुआ है और अभी और लोगों का बयान दर्ज होगा। सर हमें जो जानकारी मिली थी कि एक तालिका बनाई गई है, एक सूची बनाई गई है, ऐसे कितने लोगों के नाम है उस तालिका में जिनके बयान दर्ज होते हैं जो उस दिन सुबह ड्यूटी में थे, जिनको आप लोगों ने शॉर्टलिस्ट किया है, जिनसे पूछताछ होनी है, ऐसे स्पेसिफिक कितने लोग जो रेलवे के कर्मचारी हैं? स्पेसिफिक लिस्ट अभी तो लिस्ट नहीं है पास में, हम अभी बता देते हैं आप लोगों को। अप्रोक्सीमेट तो जो रंगा पानी स्टेशन में जो थे यहाँ दुकरू लॉबी में थे या स्टेशन में गेट में रास्ते में जितने गेट सारे पड़ते हैं जिसमें जो जो काम कर रहे थे सभी का बयान दर्ज किया जा रहा है। ट्रेन के चालक कंचनजंगा के चालक और लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट को बुलाया गया था, उनका बयान अभी दर्ज हो रहा था। कुछ बता पाएंगे स्पेसिफिक पॉइंट की उस दिन क्या हुआ था या वो अपने स्पेसिफिक स्पीड में जा रहे थे कि नहीं? ये स्पेसिफिक पॉइंट जो है ये टेक्निकल पॉइंट सब है जिसको कि सीआरएस साहब को अपना इन्फ्रेंस निकालना है, तो जब तक वो इन्फ्रेंस जो है वो सीआरएस साहब ही बताएंगे, उसके पहले हम लोग प्री कंसीव्ड या अपनी तरफ से कोई इस तरह का कंक्लूजन या मोशन नहीं दे सकते हैं कि इस कारण से हुआ था। सर ये जो अभी ये बात इन्फ्रेंस निकालना है ये काम सीआरओ साहब कर रहे हैं और वे आप लोग देख भी पा रहे होंगे सुबह से लेकर अभी तक में इंक्वायरी मैंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, सबसे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं, किसी को कुछ भी अगर बोलना है अपने बचाव में या कि दुर्घटना किस कारण से हुई होगी सारा चीज़ वो सबसे पूछ रहे हैं और ये जो रिकॉर्डिंग है ये लंबे समय तक चलेगी। सर आपसे निष्कर्ष तुरंत बाद आप लोगों ने 3 दिन लगभग गुजर गए, किसी को छुट्टी पे भेज दिया है, किसी को सस्पेंड किया है या भी कहने को काम बंद करने को कहा है, इस तरह की कोई कार्रवाई आपकी तरफ से? अभी किसी को तो छुट्टी पे नहीं भेजा गया है, जो लोग सम्मिलित थे जैसे गार्ड ड्राइवर थे वो तो रहे नहीं और भी जो लोग इन्वॉल्व थे वो सब अभी काम कर रहे हैं, उनसे सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्शन किया जा रहा है। कोई सस्पेंशन वगैरह भी नहीं? अभी तो प्रथम दृष्टिया जी सस्पेंशन नहीं किया गया। अच्छा उस दिन जो मेमो इशू किया गया था, दो मेमो इशू किया गया था जो हमें जानकारी मिल रही थी, पहले कंचनजंगा को बाद में मालगाड़ी को, तो मेमो के नॉर्म्स जो थे कि हर सिग्नल पे 1 मिनट रुकना है, 10 से 15 की स्पीड में जाना है, ये दोनों नॉर्म्स को दोनों चालक मान रहे थे और अगर नहीं मानता था तो कौन नहीं मान रहा? उस दिन बहुत सारी ट्रेनें चली थी, सभी लोग मान रहे थे और जो नहीं मानने वाले मैंने जिन्होंने अपेरेंटली फॉलो नहीं किया था वो गुड्स वाले थे।
बाकी सारे लोग बाकी लोग जैसे कंचन वाले थे वो फॉलो करते हुए जा रहे थे। कंचनजंगा एक्सप्रेस वो जो सिग्नल थी तीसरी सिग्नल उस पर क्या वो नॉर्म्स मानते हुए एक मिनट के लिए खड़ी थी? हाँ आगे कोई क्लियरेंस हो रहा है? नहीं खड़ी थी वो अभी पीछे से आके। कंचनजंगा के आगे भी कोई ट्रेन था? आगे भी ट्रेन गई थी। ऐसी संभावनाएं हैं क्या? क्योंकि हमने आज ही एक जसमीत से बात की तो उसने कहा कि सिग्नल पे तकरीबन 4-5 मिनट से वो ट्रेन खड़ी थी। तो ऐसी संभावना है कि सामने कोई ट्रेन रही हो तो और क्लियरेंस लेने के लिए खड़ी हो कंचनजंगा? कंचनजंगा ऐसी संभावनाओं को आप जांच रहे हैं क्या? सारी संभावनाओं की जांच हो रही है, कौन किस में खड़ा था, किस लिए खड़ा था और कहाँ क्या कर सकता था, नहीं कर सकता था, तो अभी संभावनाओं पे कोई रोक लगी नहीं है। सीआर साहब जो है वो सारी परिस्थितियों का अवलोकन कर रहे हैं। सर उस दिन सुबह कितने बजे ये ट्रैफिक जो सिस्टम है सिग्नलिंग सिस्टम ऑटोमेटिक वो ट्रेन ट्रैकिंग सिस्टम जिससे आप देखते हैं कि किस ट्रैक पे कितनी दूरी पे ट्रेन है ये दोनों कितने बजे खराब हो गए? 5:15-5:30 बजे के आसपास में खराब हुआ, जिसमें कि आप लोग देखे होंगे भारी बारिश के कारण और बिजली के कारण उस समय से ये शुरू हुए थे। अभी ये ठीक हो गया है? अभी ठीक हो गया। सर ये खराब होना तो आप लोगों के लिए बिल्कुल नई बात नहीं है, अक्सर होता होगा और उस पे आप लोग खराब होता रहता है। हाँ। इसीलिए जो इंस्ट्रक्शन वगैरह जो टिकट वगैरह जो पेपर जो इंस्ट्रक्शन क्लियरेंस दिए जाते हैं उसी के लिए रूल रेगुलेशन के तहत ही काम हो रहा था। ऐसे हालात में मैं सिर्फ टेक्निकली खुद की जानकारी से जानना चाह रहा हूँ कि जब ये होता है तो हमने पेपर क्लियरेंस के लिए दे दिया और नॉर्म्स फॉलो करने के लिए दिया, इसके अलावा कोई अतिरिक्त सतर्कता बरतने की कोशिश होती है क्या कि मतलब ट्रेन पर नज़र रखी जाए या इस तरह के गार्ड्स को कह दिया जाए जो रेल मैन है उनको कह दिया जाए? रेलवे वर्किंग में जितने लोग सम्मिलित रहते हैं सबके पास कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन रहता है या उनको सिखाया जाता है कि इस तरह से काम करना है, तो वो लोग उन परिस्थितियों में वो लोग उसी तरह से सतर्क रहते हैं, जैसे वो थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं। अच्छा, अच्छा, तो वो अपना जो है इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कर रहे हैं, वो अपना टेक्निकल काम में लगे हैं। यहाँ मैंने वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, एक समय डी सी साहब लोग बता देंगे उसी समय आइएगा जो जानकारी आएगी पहले इसी समय आइएगा। अरे हम तो है नहीं आते तो हम ही को बोलना है और कोई बोलेगा नहीं, तो ऐसे ही किसी को तो आरोपी नहीं बना सकते हो ना। अब जिसको आरोपी बना भी रहे हो उसको भी तो अपने डिफेंस में कुछ बोलने का मौका चाहिए ना। कब तक कुछ बोल पाएगा? हम तो परसों से शाम को मिले थे एक्सीडेंट वाले दिन ही, उस समय तो सेडेट करके रखा हुआ है। अच्छा। अभी वो कब तक बोल पाएगा डॉक्टर से मिलने के बाद ही पता चल पाएगा। दो तीन दिन के अंदर में वो कुछ बोलने की स्थिति में आ सकता है। सर रेलवे की तरफ उसका उसका स्थिति डॉक्टर से बात हुआ था, उसके बाद मैंने बाकी अन्य लोगों के साथ में बात करने की स्थिति में नहीं थी। जांच में सबसे अहम गवाह वही माना जा रहा है। हाँ वो अगर वो स्वस्थ होकर निकलते हैं तो सालजक के साथ एक आध लाइन जो सबसे अहम आपको लग रहा हो बताया हो आपको, क्योंकि आप ही आपने कहा कि आप मिलने गए थे जो पहले बताया था कि वो केवल डॉक्टर से बात कर रहे थे और घर वालों से बात कर पा रहे थे और किसी के साथ वो बात नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर साहब ने एक दो सवाल पूछा जिसका कि हाँ उसने कुछ जवाब दिया था, उसके बाद आगे वो और किसी मैंने कम से कम क्या उनका बात सुनेगा ये कमीशन? हाँ जरूर सुनेगा, अगर उस जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की या बोलने की स्थिति में बात करने की स्थिति में होगा तो उनका सीआरएस साहब जरूर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे उनका। सर आपने कहा कि अभी काफ़ी वक्त लगेगा ये पर्चा हाँ। दर्ज करने में जांच पूरी करने में, बता सकते हैं अंदाजन कितना वक्त लग सकता है? पहला स्टेप होता है जो लोग सम्मिलित थे उनका बयान दर्ज करना, बयान दर्ज करने के बाद सीआरएस साहब उसको अपना इन्फ्रेंस निकालेंगे, दूसरी चीज़ों के साथ उसको कोलेक्ट करेंगे और बाद में अपना एक रिपोर्ट बना कर देंगे। तो बहुत सारी जो घटनाएं हुई थी किसी में महीने भर के अंदर, किसी में 2 महीने के बाद, किसी में 3 महीने के बाद, जैसे कॉम्प्लिकेशन जिस तरह का रहता है उसके हिसाब से रिपोर्ट बनता है। तो ये सीआरएस साहब पे डिपेंडेंट है कि वो क्या सोचते हैं इसके बारे में और कितना जल्दी कंक्लूजन में पहुँच पाते हैं, उसके हिसाब से समय का निर्धारण होगा कि कितना। एक आखिरी सवाल, अलावा कोई अतिरिक्त सतर्कता बरतने की कोशिश होती है क्या कि मतलब
पे नजर रखी जाए या इस तरह के गार्ड्स को कह दिया जाए, जो बिल मैन है उनको कह दिया जाए। रेलवे वर्किंग में जितने लोग सम्मिलित रहते हैं सबके पास कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन रहता है या उनको सिखाया जाता है कि इस तरह से काम करना है, तो वो लोग उन परिस्थितियों में वो लोग उसी तरह से सतर्क रहते हैं। सर केबिनों में जो लोग रहते हैं क्या ये लोग अगर चाहे तो रेल के जो ट्रेन जो चला रहा है उनके साथ कोई कम्युनिकेशन कर पाते हैं? कम्युनिकेशन कर पाते हैं तो झंडा लाल झंडा दिखा करके उनको लाल झंडा दिखा करके दिन के समय रात में लाल टॉर्च दिखा करके उसको रोक सकते हैं। तो नंबरी से कितना केबिन ये क्रॉस किया था, कितना सारा केबिन था वो? अभी तो केबिन तो अभी केवल स्टेशन पे होता है, केबिन स्टेशन के बाहर तो कोई केबिन नहीं होता है। सर झंडा पानी स्टेशन से जिस जगह ये दुर्घटना घटी है इस बीच में तीन रेल गेट्स आते हैं, तीनों गेट बनाए थे उन्होंने अपना स्टेटमेंट सब रिकॉर्ड किया। सर ये मालगाड़ी अपने स्पीड को मेंटेन नहीं कर रही थी और बहुत तेजी से जा रही थी, तो यहाँ से कोई जानकारी रानापानी कंट्रोल रूम को या स्टेशन को दी गई थी कि ये काफ़ी तेजी से निकल रही है? हाँ तेजी से निकल रही थी, जानकारी दिया गया था दी गई थी। तो फिर उस समय क्या कम्युनिकेशन नहीं कर पाए आप लोग, अगर जानकारी मिली थी? जानकारी तो रंगापानी स्टेशन से कितना दूर था और यही सब तो जांच का विषय है, इसको पहले से हम लोग बता देंगे कि तो मतलब होगा कि हम जो सीआरएस साहब इंक्वायरी कर रहे हैं उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम तो सीआरएस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं या कोई भी जो आदमी है वो सीआरएस साहब को इन्फ्लुएंस करने का कोशिश करते हुए भी नहीं दिख सकता है। तो ये सब जो जानकारी है ये सब सीआरएस के प्रभु में है, तो वो वहीं पर रिकॉर्ड हो रहा है उसके बारे में ही सब जानकारी मैंने जांच प्रक्रिया चल रही है। कंक्लूजन में आने के लिए कंक्लूजन जो है सीआरएस साहब कर सकते हैं, तो कंक्लूजन का मतलब क्या हो गया, यहाँ से स्टेटमेंट भरी ले लिए कि उसके पूरा स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, वो पढ़ने के बाद किसी कंक्लूजन पहुँचेंगे तो इसमें 10 दिन 15 दिन 1 महीना तो कुछ भी समय लग सकता है। सीआरएस साहब जब तक सेटिस्फाई सीआरएस साहब को जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाता कि हम जो कोच बता रहे हैं उसके लिए मेरे पास सारे एविडेंस आ गए तब तक समय तो लेंगे ना। सर और एक सवाल उठ रहा है।